हेलो एवरीवन, आई एम बरखा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मज़े से मेरी सारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। ऑलरेडी मैंने कई सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, तो आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, बिकॉज आज से सारे रिचुअल्स शुरू होने वाले हैं। तो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, सारे मंडप को सजाने के लिए चीज़ें रखी हुई थी। तो आज जो पहला फंक्शन होने वाला है उसका नाम है घान धरेती। हमारे यहाँ पे उसको घान धरेती बोलते हैं, और आज के मॉडर्न टाइम में उसको बेसिकली सभी हल्दी के नाम से बोलते हैं। बट अगर हम अपने कल्चर की बात करें तो हमारे कल्चर में उसको घान धरेती बोलते हैं। तो वो आज फंक्शन स्टार्ट होने वाला है, साथ में आज मंडप भी सजेगा और मंडप के लिए सारी चीज़ें भी लानी है हम लोगों को। तो यहाँ पर सारी तैयारियाँ हो रही थी, सुबह हो चुकी थी ऑब्वियसली। तो और सोमा चला गया था स्कूल, तो मैं, श्रद्धा, शिवानी और सेतु हम सभी लोग कर सारी चीज़ें लाने वाले थे। तो यहाँ पर प्लानिंग हुई थी कि क्या चीज़ें कैसे लानी है और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी हमारे पास हैं। और यहाँ पर सामने मेरी नानी बैठी हुई हैं, तो वहीं से बैठ के वो सारी चीज़ें देख रही हैं। बिकॉज अगर मैं उनकी बात करूँ ना, तो उनका सपना था मेरी शादी कराना, बट उनके रहते तो हो नहीं पाई। उसके बाद फिर कोरोना आ गया एंड बहुत सारी चीज़ होगी। तो एनीवे, अभी जो चीज़ें हो रही हैं उसको हम लोग इन्जॉय करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और मैं बोल दूँ, ये जो ब्लॉग होने वाला है ये लिटरली बहुत फन ब्लॉग होने वाला है। आप इसको बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हो, बिकॉज इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें दिखने वाली हैं। जैसे कि आपको संगीत दिखने वाला है, घान धरेती यानी कि हल्दी का जो प्रोग्राम है वो दिखने वाला है। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग पे, तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा और कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने मुंह में जूम कर दो एकदम। लोगों कल लो लिखा है इसमें। तो आज का जो पहला टास्क है वो है शॉपिंग में जाना, बिकॉज हम लोग जो मंडप सजाने वाले थे उसमें जो भी चीज़ें चाहिए वो सारा सामान लाना था। तो हमारे घर से सबसे नियरेस्ट मार्केट जो है नवाबगंज है, और वहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको और रीजनेबल रेट में मिल जाती हैं। तो इसलिए हम लोग सभी गए थे नवाबगंज मार्केट एंड ऑलमोस्ट सारा ही सामान हमने वहाँ से ले लिया था। अच्छा, आपके यहाँ चीज़ें किस तरह से होती हैं वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एंड आपके लिए सब चीज़ें न्यू हैं कि हाँ नॉर्मल ही हैं वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बिकॉज बिल्कुल झांकी की तरह हम लोग सजाते हैं पूरी चीज़ें, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ से बाई। हाँ, एक बहुत चलो टेप तो होगा ना, इतना ही बड़ा एक और कौन सा कलर निकाल लें? एक ही सही है। वो बड़ी बड़ी जो चौकोर होती हैं, ये वाले चार ले लो, चारों तरफ एक एक लगाओगी ना। ये आप बंडल ले लो, बंडल बस कर। अच्छा, बस का बस बैठ करें, हो गया ना आपका। वो बड़े चौकोर वाले नहीं मिल रहे हैं, ये नहीं, झूमर जैसे जो होते हैं वो वाले वगैरह। 40 रुपए दो पीस यार। बताओ और जो भी है। एक बड़ा अजीब नहीं लग रहा है, देसी यही डिजाइन है की और भी है, दिखाइए क्या। चलो ठीक रखो और चेंज हो, क्या खाइयो। तो फिर टूट जाते हैं, फिर पता है क्या होता है, वो 10-10, 500-500 रुपए कहाँ चले गए वो फिर पता ही चलता है। Thank you.
ये वाले में क्या आधा किलो दे दीजिए। तो कितने में हो जाएंगे कि नहीं? एक किलो ज्यादा चाहिए। तो हम लोग कुछ गेंदे के फूल भी लेते हैं। एक्चुअली हम लोग का प्लान था बैकड्रॉप सजाने का, बट वो प्लान बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। अभी आगे आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट सारी शॉपिंग कर ली थी एंड हम वापस से घर आ गए थे। एंड यहाँ पर ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो चुकी थी जो भी रिचुअल्स वगैरह थे। यहाँ पर सब लोग अपने पैरों में रंग वगैरह लगा रहे थे, बिकॉज कोई भी पूजा शुरू करने से पहले रंग लगाते हैं। ले ले, वीडियो बना रहे थे हम। क्या बना रहे थे? व्लॉग। देखो पैसे निकालते हुए मम्मी मेरी। सारा खजाना इन्हीं के पास है। एक एक के सिक्का तो नहीं है। एक एक के सिक्के चाहिए क्या? हाँ चलो अभी है तो है। ले ले देखो लगाओ आ रही। बिट्टू हो गया हमारा कोई काम था नहीं। आज ये इनका परिवार बहुत रहा बल्कि ना गई नमस्ते। सुझाव बता रहा था हमारी क्या हुआ। मैंने ऑलरेडी बताया था आपको कि हम लोग बैकड्रॉप के लिए सोच रहे थे, तो हम लोग थर्माकोल लेके आए थे और फ्लावर लेके आए थे, तो हम लोग कार्डबोर्ड नहीं लेके आए थे और कुछ इस तरह का ट्राई करते बनाने का, तो बन गया था बट इम्प्लीमेंट अच्छी तरीके से नहीं पाया बिकॉज हम लोग कार्डबोर्ड नहीं लाए थे और पीछे सपोर्ट के लिए कुछ भी नहीं था, तो इस वजह से पूरा प्लान भी फ्लॉप हो गया और मेहनत भी बर्बाद हो गई। स्मिता आके यहाँ पे और काम कर रही। रंग हल्दी प्रेम से लगाओ शगुन शुभ मंगल यह गीत गाओ। पीते रंग हल्दी प्रेम से लगाओ शगुन शुभ मंगल यह गीत गाओ। कोमल रंग निखारे हल्दी रंग श्रृंगार सवारे हल्दी कमल तन कोमल कनक बनाओ। कमल तन कोमल कनक बनाओ पीते रंग हल्दी प्रेम से लगाओ शगुन शुभ मंगल यह गीत गाओ। राम के तन पर सोहे हल्दी शोभा कही ना जाए रघुवर।
हमें अगर नहीं करा मम्मी को दी जाता है, मम्मी के मुंह में पानी।
बढ़िया है। आज के सारे फंक्शंस यहीं पे ख़त्म होते हैं। लास्ट में से तो हम लोग के लिए पान भी लेकर आया था, तो मैंने और स्मिता ने पान खाया था। तो कैसी लगी आज की मेरी फुल देसी स्टाइल में हल्दी और संगीत की ये वीडियो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके यहाँ भी इस तरह से होती है या फिर फुल मॉडर्न तरीके से होती है, वो भी आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो एंड वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। एंड अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ना किया हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है barkha_Tripathi, जहाँ पर आपको बहुत ही क्यूट क्यूट सी रील्स और फोटोज़ वगैरह मिलती रहेंगी, लाइफ अपडेट वगैरह सारी चीज़ें वहीं पर आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव एंड प्लीज़ 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 ढेर सारा प्यार दीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय। शगुन शुभ मंगल, यहाँ गीत गाओ पीते रंग हल्दी, प्रेम से लगा।